हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका माता वैष्णो देवी ट्रिप के पार्ट टू में। और आज मैं दिखाऊंगा कि कटरा से आप माता वैष्णो देवी कैसे जाएंगे, वहाँ चल के क्या क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल पे क्लिक करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, ये बैठे अपने देव भाई। क्या कर रहे हो देव भाई फोन में? यहाँ तो नो सर्विस आ रही है, करे क्या फोन में? चलो आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये चेक करो गाइस। ओ यार, व्हाट अ व्यू। तो अभी आपको बाहर का दिखा चुके हैं। अभी फिलहाल क्या है कि टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड है, तो यार ठंड की वजह से अंधेरा होता ही है। हाय, बोलो हाय। तो बस पहुंचने वाले हैं। और ये देखो यार, यहाँ पे छोटे छोटे से घर बनाए हुए हैं। ये कोई गांव होगा यहाँ का। यार कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह यार, ये वादी अभी कमाल की है। जी करता यही बस जाए, हमारे पापा का कहना। वादियों में यार मन बहुत लगता है, कहना इंसान का। ये देखो यार, ये छोटे छोटे गाँव बन रहे हैं, कस्बे। ये देखो तवी नदी, जम्मू सरोवर गुजरने वाली तवी नदी। वो देखो यार, वो कितना बड़ा पहाड़ है। ये देखो अपने देव भाई को।
हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माता देवी वैष्णो कटरा में। अब अभी हम यहाँ पे स्टेशन पर हैं, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। सो हे गाइस, अभी हम बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ आज हमारे भैया भी है। भैया हाय बोल दो, और हमारे पापा कुछ कहना चाहते हैं। बोलो पापा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और देख लो यार, जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसा व्यू है, ठीक है। यहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हो, होटल्स के लिए बहुत सारी मतलब टैक्सीज मिलती हैं यहाँ, वो लोग आपको ले जाएंगे और वहाँ पे ठहराएंगे, फिर वो आपको यहाँ छोड़ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो देखते हैं भाई हमको भी क्या मिलता है, आगे दिखाते हैं फिर आपको। तो गाइस अभी होटल में आ चुके हैं, पापा यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे रूम, कहाँ पे क्या मिला है आपको रूम। क्या नाम, होटल का नाम है आरपी रेजिडेंसी। सो आप यहाँ पे आओ, विजिट कर सकते हो। रूम फैसिलिटीज एंड टैक्सी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। सो ये गाइस, अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है रूम के लिए, अभी आपको रूम दिखाता हूँ आगे। पापा इनको रूम दिखा दें। चलो चलो दिखाते हैं, दिखाते हैं यार, रूम काफी अच्छे मिले हैं। गेट ओपन करो, क्या हो गया, गेट लॉक हो गया। बुलाओ किसी सर्विस वाले को यार, ओ लगता है भाई कोई गेट बंद कर गया। वेट करते हैं। गाइस एक मिस्टेक हो गई, हम गलती से फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खटखटाने लगे, हमारे तो सेकंड फ्लोर का है। चलो आपको दिखाता हूं, ये देखो यार क्या डेकोरेशन है। तो यहाँ से व्यू देखो यार, एक बार व्यू कितना प्यारा आ रहा है भवन का। तो जय माता दी, माता के भक्तों नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। ये देखो यार, ये तो ये दो रूम का, ये दो बेड का रूम हमको मिला है। ये बाथरूम है, ये मेरा है। हाँ भाई मजा आ रहा है। दे भाई को बहुत मजा आ रहा है अपने। पापा कुछ बोलना चाहोगे? बड़ा मजा आ रहा है भाई। बाद में बोलने के पहले ब्रश दो। ब्रश फिलहाल तो नहाने धोने की तैयारी में है भाई। चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पे फ्रेश होते हैं, ठीक है। अपना जो भी हमें काम करना है वो सब काम निपटा के फिर भवन की जो है अपनी क्लाइंबिंग या सॉरी अपनी जो भवन की जो चढ़ाई है यात्रा शुरू करने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, देन उसके बाद आपको लेके चलते हैं सीधा यात्रा पे। क्या हाल है भाई के? ये भाई अपने स्नैप में लगा हुआ है, और मामा जी अभी तैयारी कर ले फ्रेश होने की। अभी थोड़ा सा और फ्रेश होते हैं भाई। थोड़ा सा और ये अपना रूम। सो हे गाइस, अभी फ्रेश हो चुके हैं, अब थोड़ा सा टाइम है कि हम कुछ खा पी लें। तो यहाँ देव भाई और पापा दोनों यहाँ पे बर्फी खा रहे हैं, और हमने अभी ऑर्डर की है वेज मैगी। तो चलो भाई अभी फिलहाल ये खत्म करते हैं, फिर सीधा निकलते हैं यात्रा के लिए। भाई गाइस सब कुछ रेडी है, अब हम सीधा निकल रहे हैं यात्रा के लिए। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद हमको एक बैच मिलेगा, देन हमारी यात्रा शुरू होगी। एक्साइटेड हो सारे? बोलो जय माता दी। जय माता की। भाई माता के भक्तों नीचे कमेंट्स में जय माता की लिखना मत भूलना।
आ गए। तो भाई यात्रा शुरू हो चुकी है, देख सकते हो जय माता दी की बन चुकी है। सामने देखो यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है। चलो भाई जल्दी से चलो सब ऊपर, हमें आज रात तक हमें ऊपर पहुंच जाना है किसी भी तरह से। आ रहे हैं भाई एक एक करके, सारे पीछे आ रहे हैं। गाइस अभी पता है क्या हुआ, बीच रास्ते में हमारा जो कैमरा है वो जब जमा कर लिया गया सिक्योरिटी रीजन से। सो अभी मैं फिलहाल अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। थोड़ा दुख तो हो रहा है भाई, अपना कैमरा जमा करना पड़ गया हमें, बट कोई बात नहीं। घोड़ा भाई घोड़ा, मेरे पर्स में भी कुछ निकल गया था अभी। भाई के पर्स में कुछ ऐसा निकल गया बस बता नहीं सकते। चलो भाई यात्रा शुरू करते हैं। बहुत यार बहुत बुरी स्मेल है यहाँ। यहाँ से भाई बाण गंगा का रास्ते से हम लोग जाएंगे अभी अर्धकुमारी, ठीक है, फिर वहाँ से भवन एंड देन उसके बाद हम जाएंगे भैरव देव। तो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। सो गाइस अभी हुआ ये कि भाई हमें पापा को घोड़े पर बिठाना पड़ा ताकि वो आ गया आराम। घोड़े पर भाई, घोड़े पर, अच्छा, पर। हाँ तुम क्या समझे? तो भाई समझे, अच्छा घोड़े से मिलती गंदे नहीं, गंदी गंदी सोच आदमियों की। तो भाई पापा तो भाई पापा को हमें बिठाना पड़ा कि पापा थक गए थे भाई, अब हम तीनों तो जा रहे हैं अकेले। अकेले थोड़ी, साथ में भाई तीनों। हाँ भाई साथ में, ठीक है चलो। भाई काफी मुश्किल होता जा रहा है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी थकान होने लगी। देव भाई से पूछेंगे, देव भाई क्या कैसा लग रहा? देव भाई तो बोलने के लायक ही नहीं बचे। ये देखो भाई पापा, ये घोड़ा है, घोड़े का बच्चा यार, किस पे बिठा दिया पापा? क्या है ये, क्या है ये बताओ यार, कुछ नहीं है। हालत खराब हो चुकी है देव भाई की भी और आयुष भाई की भी, लेकिन रुकेंगे नहीं। क्यों देव, चल भाई चलो, लेट्स गो गाइज। सो हे गाइज अभी क्या है, करते करते बहुत दूर आ चुके हैं, धीरे धीरे सब कपड़े निकाल दिए, धीरे धीरे देख सकते हो यार सब कुछ निकाल चुके हैं, हालत खराब हो चुकी है, पर जय माता दी। देव जय माता दी, आयुष भाई पीछे रह गए, जय माता दी भाई, आयुष भाई पीछे रह गए, लेकिन अपनी यात्रा कभी ना छोड़ना, जय माता दी। चलो चलो गाइस, इतनी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार हम लोग आ गए हिमकोटी रास्ते पर। अब यहाँ से सीधा आगे जाएंगे जो कि थोड़ा सरल मार्ग भी है। ये देखो आयुष भाई को, चाल देखो भाई की, चाल देखो, चाल कानों में डाल के और चले जा रहे हैं भाई। ओ भाई रुक जाओ, सुनेंगे ही नहीं, कानों में लीड जो लगी है, ये देखो चाल देखो भाई की। सो गाइज
पिछले 5 घंटे से लगातार पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भवन पर। बस थोड़ा सा दूर और फिर आपको दिखाते हैं। एक अजीब सी खुशी हो रही है यार। देखो यार और व्यू देखो यार एक बार, बिल्कुल पहाड़ों में। सो गाइज, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हे गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भवन की ओर। देव भाई भी थक चुके हैं लेकिन जोश पूरा है। चलो भाई चलते हैं आगे। अभी मुझे यहाँ वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे फोन को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे बाद में मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम फिलहाल भवन के दर्शन करके आ चुके हैं। अब जा रहे हैं सीधा भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने। और ये चेक करो भाई पीछे, ये चेक करो पीछे, ये चेकआउट करो गाइज। ओ यार, भवन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऊपर रास्ते पे दो रास्ते होते हैं, एक आप जा सकते हो सीधे और एक ये सीढ़ी वाला रास्ता। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव पे। तो अभी क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। अभी क्या है कि आरती की वजह से गेट ओपन नहीं है, द्वार बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं, अभी जस्ट खुलने वाले हैं, उसके बाद फिर नीचे जाने की तैयारी है जैसे यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देव भाई दर्शन करके फिर नीचे चले, बस नीचे निकले। ठीक है भाई, थक चुके हैं यार बहुत ज़्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हार्ड होगा, बट क्या है ना, कहते हैं ना, जब तक डिफ़िकल्टीज नहीं आती सक्सेस भी नहीं मिलती है ना। चलो फिर आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, लग जाएगी भाई ब्रेक लगाने में। अरे भाई, ओ भाई को पकड़ो, भाई रुक जाओ, भाई 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 भाई। हे गाइस, सो फाइनली हमने भैरव देव के दर्शन कर लिए हैं। अब सीधा हम जा रहे हैं सबसे नीचे और वहां से अपना होटल की तरफ निकलेंगे। अब भाई बस कुछ नहीं करना है, अब सीधा जाना है और पापा सो जाना है। क्या ख्याल है भाई? पापा भी थक चुके हैं। खैर नहीं भाई, नहीं भाई, पापा में दम तो है लेकिन जाते ना पता नहीं चलेगा सोने का। 50 की उम्र में पापा है। हाँ हाँ हाँ, आई नो, ऑडियंस को पता है आपकी फुर्तीले बारे में। तो चलो भाई, पार्ट 2 को भी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, जय माता दी जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। माता के भक्तों कमेंट्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। देखो पापा क्या बोले, पापा बोलो जय माता दी। हाँ, जय माता दी लिखना मत भूलना। एंड आगे और भी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज मिलेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।